महाशिवरात्रि स्पेशल आलू का बर्फी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन्ना की रसोई में। आज हम बना रहे हैं फलाहार, बिल्कुल व्रत में खाने वाला बर्फी, जिसे हर कोई पसंद करे। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और इस तरीके का मजेदार बर्फी बनने के तैयार होगा। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बर्तन किसी कोई भी सेट कर लेना है, थाली ले लेना है या फिर जो भी ड्रो आपके पास हो अवेलेबल, उसी में थोड़ा सा घी या बटर घस लीजिएगा। इसे कंप्लीट करके एक तरफ रखने के बाद ही आप काम करिएगा, इसे फटाफट हमें शेप देने में आराम रहता है। तो इधर हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें ले लिया एक चम्मच घी। सिर्फ एक चम्मच घी से आज बहुत अच्छी और बहुत ही अमेजिंग सा स्वीट बन के तैयार होगा। ये जो मिठाई है, ये जितना खाने में टेस्टी है उतना ही बनाने में आसान है। मुंह में जालते ही घुल जाने वाला बर्फी है, जिसे हर कोई पसंद करेगा। इसे हमें दो आलू बॉईल करके इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे हम फ्रेश मलाई 2 चम्मच। अगर यहाँ पे आपके पास अगर फ्रेश मलाई नहीं है तो एक दिन का भी अगर पुराना ही है तो भी चलेगा, और या फिर मार्केट का भी मलाई है वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें मलाई जो डालते हैं ना, मावा दूध सबका टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे अच्छे से हमें भुनना है मिक्स करते हुए। यहाँ पे ध्यान रखना, हमें गैस को लो रखना है, और जैसे इस तरीके से डो जैसा हो जाए कंप्लीट, तो अभी के इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जितना आपको तीखा मीठा पसंद है उतना कम या ज्यादा भी शक्कर कर सकते हैं। इसमें जैसे चीनी डालेंगे वैसे ये पिघलने लगता है, क्योंकि चीनी है तो वो जब जैसे जैसे पिघलेगा वैसे वैसे ये मुलायम सॉफ्ट होता रहता है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मुरादे। नारियल के मुरादे हमने ले लिए हैं 1 कप। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके पास नारियल के मुरादे नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आपके पास मखाना है तो मखाने को अच्छे से थोड़ा सा घी में भून लीजिए, उसे मिक्सी जार में पीस लीजिए। मखाने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा फ्लेवर छोटी इलायची का पाउडर डाल दिए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक एकदम कड़ा ही छोड़ ना दे और एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस टाइम आप गैस को बंद करके इसे ठंडा कर सकते हैं। तो अभी हम इसे ऐसे ही करते रहेंगे, चलाते रहेंगे कंटिन्यू, और गैस को लो करके ही हमें इस मिठाई को बनाना है, जो एकदम आसानी से बन जाए। और इस तरीके से अगर आप डो के फॉर्म में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये शेप देने के लिए परफेक्ट रेडी है। तो अभी क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और इसे चलेंगे हम शेप देने के लिए। तो हमने जो ये एक मोल्ड लिया था इसमें ऐड करेंगे, और इसको ऐसे कछुले से हमें बर्फी जैसा शेप देना है, तो दबाते हुए देना है, और थोड़ा सा इसे अगर आप पीट देंगे तो ये अच्छा सा अपना शेप ले लेगा, और इसे छुड़ाने का टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है। ये बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके ऊपर हम डाल रहे हैं थोड़े से पिस्ते। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। इसे हमें थोड़ा थोड़ा दबा देना है जिससे ड्राई फ्रूट अच्छे से बर्फी में सेट हो जाए और पकड़ ले। अभी क्या करना है, इसे छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, अगर आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर के लिए छोड़ दिए थे। तो अच्छे से सेट हो गया है। अभी एक बर्तन लेंगे और इसे अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम आराम से निकल गया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सेट हुआ है। इसे हम हाथों से ऐसे पकड़ के पलट लेंगे और इसे अभी कट करेंगे। ये देखिए इसे कट करेंगे और एक छोटा पीस जैसा सेट बनाएंगे। अगर आपको जैसा शेप देना है चाकू से, उस तरफ छोटा बड़ा जो भी जैसे भी काटना है वैसे आप इसे आराम से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये मिठाई, और हमें उम्मीद है कि अगर इस तरीके से मेरे रेसो से आप मिठाई बना रहे हैं सिर्फ आलू का, तो सबको पसंद आने वाले हैं, पूरी फैमिली को पसंद आने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके से मेरा बर्फी बन के तैयार हो गया है। अभी इसे तोड़ के मैं दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए मुँह में जाते ही घुल जाने वाला बर्फी बन के तैयार है। अभी इसे आप व्रत में खाइए या फिर भगवान को प्रसाद में चढ़ाइए, दोनों के लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से हमें चांदी के सिल्वर वर्क भी लगा दिया है थोड़ा सा।